हेलो डियर आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक वन तो आपका टीयर टू के मॉक्स की जर्नी में वेलकम है तो मॉक्स हैं अपने इनका काम होता है ये एक टेस्ट की तरह होते हैं जैसे आप लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट कराते हो अपना ब्लड टेस्ट कराते हो तो ये हमें वो चीज़ें भी बताते हैं कि जो हम ठीक कर रहे हैं और ये हमें वो चीज़ें भी बताते हैं तो गलत कर रहे हैं जैसे आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो वो चीज़ें भी पता चलेगी कि ये सारे विटामिन माइक्रोन्यूट्रियट आपके ब्लड में ठीक हैं और ये सारे गलत हैं तो मॉक सिर्फ ये मेजर करने के लिए नहीं होते कि आपने कितनी तैयारी कर ली है सिर्फ उसको मतलब सिर्फ पॉजिटिव साइड को हम मेजर करें मेनली हम ब्लड टेस्ट तब तो करवाते ही नहीं जब सब कुछ ठीक चल रहा हो हम तब करवाते हैं जब कुछ गड़बड़ी हो तो मेनली जो मॉक टेस्ट हैं वो इस चीज के लिए होते हैं कि जो हम गलत कर रहे हैं उसे भी हम ठीक कर पाए है ना ताकि जहां पर आपके नंबर नहीं आ रहे किसी भी रीजन से नहीं आ रहे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं तो आपके नंबर आए कम तो नंबर को बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं तो इसको हमें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा ठीक तरीके से काम करना पड़ेगा हमें उसका एक तरीका होगा ना कि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो ठीक हो जाए ठीक है तो ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा ठीक है चलिए तो आपने स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं एक बार मैं वो आपको बता देता हूँ जैसे पहले टीयर वन के मॉक्स के अंदर मैं क्या कर रहा था जो आपके पेड मॉक्स हैं उनके अंदर पाँच छः सात आठ इतने क्वेश्चन में सॉल्व करवा दे रहा था लेकिन फिलहाल मैंने ये सोचा मैं एक काम करूंगा मैं सिर्फ वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाऊंगा मैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जिनके अंदर मैं किसी भी फॉर्म के अंदर वैल्यू एड कर सकता हूँ भले ही मैं कैलकुलेशन में करूँ भले ही मैं आपको ये बता दूँ यहाँ पर सी लिमिस्टेक हो सकती है, है? तो जहाँ पर मैं थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाऊंगा तो मैं ये मानकर चलूंगा कि एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो अगर ये मॉक दे रहा है तो उसमें मैं कैसे वैल्यू ऐड करूं? तो 100 परसेंट चीज़ें आपके ऊपर लागू नहीं होगी हो सकता है 80 परसेंट लागू हो 85 परसेंट लागू हो तो वीडियो को डबल स्पीड पे करके देखना फायदा जरूर होएगा आपके मार्क्स को मैं जरूर बढ़वा दूंगा जो बढ़ाने का काम जो मॉक्स का काम होता है वो जरूर हम कर लेंगे ठीक है जी ओके तो स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं सबसे पहले आपने मॉक को अटेम्प्ट करना है ओके जी और उसके बाद आपने उसको एनालाइज करना है कैसे एनालाइज करना है आपको यूट्यूब के ऊपर दो वीडियो मिल जाएंगी कि मॉक्स को अटेम्प्ट कैसे करना है मॉक्स को एनालाइज कैसे करना है ये मैंने टीयर वन के लिए बनाई थी बट सेम टीयर टू के ऊपर भी अप्लाई होगी तो आपको ये वीडियो देख लेनी है ये इनके नाम ठीक है भाई ओके आपने एनालाइज करना है उसके बाद आपने टेक्स्ट सॉल्यूशन देखना है अगर आप किसी क्वेश्चन का देखना चाहो तो ठीक उसके बाद आपने दो गुना स्पीड पर यह वाली वीडियो देखनी है जो मैं भी बना रहा हूं आपने कैसा भी परफॉर्म किया हो क्यों क्योंकि देखो मैं ये मान के चल रहा हूं आपने सिलेबस कर लिया है टीयर टू के मॉक दे रहे हो तो टीयर वन क्लियर किया है डिसेंट तैयारी है तो अब जो जो चीजें ऐड होंगी आपकी तैयारी के अंदर जो जो चीजें आपको बेटर करेंगी वो छोटी छोटी चीजें होंगी कहीं पर किसी तरह की कैलकुलेशन में मैंने आपको मदद कर दी कहीं पर कोई कंसेप्ट क्लियर कर दिया कहीं पर कोई जरूरी चीज रिवाइज करवा दी तो ऐसे छोटी छोटी चीजें ऐड करके आपकी तैयारी स्ट्रांग होएगी अभी कोई मेजर चीज ऐड नहीं होएगी मेजर चीज कैसे मान लो आपने सिलेबस ही ना किया हो तो एक बार चैप्टर पढ़ दो कहीं नंबर बढ़ जाएंगे बट अब आप वो कर चुके हैं ठीक है तो इसीलिए आपने ये वीडियो देखनी है दो गुना स्पीड पर देखो ताकि एफिशिएंट रहे टाइम ना ओके और उसके बाद जो भी आपका एनालिसिस रहे आपके कुछ क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए होंगे कोई कंसेप्ट आपको आता नहीं होगा है अलग अलग रीजन रहेंगे तो वह आपने एक मॉक की नोटबुक बना लेनी है ठीक है और वहाँ पर लिख लेना है दी पंडित का बिकॉज एक प्लेटफॉर्म का तो आप मॉक दोगे नहीं हर एक प्लेटफॉर्म पर बीस मॉक मिल जाएंगे पच्चीस मिल जाएंगे ज्यादा नहीं मिलेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा देने हैं तो आपने लिखना है पंडित का पेड मॉक मैंने दिया था और इसकी ये एनालिस पंडित का पेड मॉक पंडित का फ्री वाला मॉक मैंने दिया इसकी यहां से मैंने ये बातें उठाई जब आप अगला मॉक दोगे तो उससे पहले यह देखना कि अच्छा ये ये सिली मिस्टेक करी थी तो इस मॉक में मैंने नहीं करनी जस्ट देने से पहले उसको तो धीरे धीरे हमें इन चीजों की आदत पड़ जाएगी हमें ठीक करने की आदत पड़ जाएगी बट वो आदत हमें गलत करने की पड़ी हुई है तो ठीक करने की आदत भी बार बार रिमाइंड करने से ही पड़ेगी है।, है ना ओके जी तो आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि वर्थ डिस्कसिंग है मैं इसमें थोड़ी सी भी वैल्यू एड कर सकता हूं मैंने वो ले लिया है ओके और आपको अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी आपकी सुधरेगी राइट माइंड सेट आपको मिलेगा किस माइंडसेट से हमें पेपर देना चाहिए एक ऑनेस्ट गाइडेंस दूंगा कि कौन सा चीज़ वाकई में अष्टी है कौन सी चीज नहीं है ठीक है भाई आपने करना क्या भाई आपको अपना पार्ट करना है ये नहीं है कि मेरी मेहनत से कुछ नहीं होगा हम दोनों की बात है मैं गाइडेंस दे रहा हूँ उसमें कुछ मेहनत कर रहा हूँ आप मेहनत कर रहे हो दोनों के करने से काम होगा यानी कि आपने सिलेबस कर रखा हो टेक्स्ट सॉल्यूशन आपने देखे हो किसी भी क्वेश्चन का आपने देखना हो तो मॉक टेस्ट देने के बाद और ये जो वीडियोस हैं ये आपने देख रखी हो एटलीस्ट एक, एक बार रिसेंट उसके बाद आप मेरी सारी बातें समझ पाएंगे और हम बहुत ही एफिशिएंटली काम कर पाएंगे और मैं किसी भी मॉक के लिए मैं अपना वर्डिक्ट भी आपको दूंगा वर्डिक्ट यानी कि ये इजी मॉक था ये लेंदी मॉक था ये कैसा मॉक था अपने पेपर के हिसाब से तो यहाँ पर वर्डिक्ट है कि भाई ये एक एवरेज मॉक था एक एवरेज मॉक था ना ये डिफिकल्ट था ना ईजी था एक एवरेज मॉक था अपने पेपर में जिस तरह के एग्जाम आते हैं उसके आसपास था ठीक है तो स्टार्ट करें फिर मैं काफी सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा ठीक है वो अलग अलग रीजन से मैं डिस्कस करूंगा कोई किसी रीजन से कोई किसी रीजन से देखते हैं जी तो ये देखो द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल तो यहां पर किया क्या है उसने अपने पास एक मेटल की सीट है अगर आपने टेक्स्ट सॉल्यूशन देखा हो तो देखो भाई एक बात मैं बता देता हूं मैंने क्या बोला है डू योर पार्ट आपको अपना हिस्सा करना है मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने सिलेबस किया है तो कई बच्चे बोलते हैं वो वाला क्वेश्चन करवा दो वो वाला करवा दो जो क्वेश्चन बहुत ईजी है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए वो मैं नहीं करवाऊंगा इसका मतलब आपका सिलेबस वीक है अगर वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा टेक्स्ट सोल्यूशन समझ के भी आपको नहीं आ रहा मैं सिर्फ वो चीज़ आपको करवाऊंगा जो टेक्स्ट सॉल्यूशन के अलावा मैं वैल्यू ऐड करूं तो टेक्स्ट सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है तो उसका भी यूज करो अगर किसी क्वेश्चन में फंस गए तो देख लो उसको ठीक है ओके अदरवाइज जो मैं ऐसी चीजें जो मैं बताना नहीं चाह रहा जो टेक्स सोल्यूशन में है मैं थोड़ी सी तेज बता दूंगा वो अगर मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ तो ठीक है तो यहाँ पर किया क्या है ये वाले हिस्से काट दिए हैं तो होता क्या है इससे एक डिब्बा बनता है ऐसे एक ऐसी आकृति बन जाती है जब भी वो डिब्बा बनाता है ऐसे और इनको ऊपर की तरफ वो फोल्ड कर देता है तो ये अपना काम करता है लेंथ का इसको ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर देगा तो क्या बन जाएगा एक डिब्बा बन जाएगा इस तरह का ठीक है तो ये चीज होएगी अपनी लेंथ अगर उसने पांच सेंटीमीटर के स्क्वायर काटे हैं तो लेंथ पांच इधर से पांच इधर से लेंथ दस कम हो जाएगी तो डायरेक्टली मैं ये बिना बनाए मैं डायरेक्टली लिख सकता था कि लेंथ हो गई अपनी सिक्सटी फाइव ऐसी ब्रेथ जो है वो कम हो जाएगी जी दस पांच इधर से पांच इधर से मैं डायरेक्टली लिख सकता था कि ब्रेथ हो गई बीस तीस में से दस के बीस और हाइट वही होएगी जो इस बी साइड का स्क्वायर काटा है उतनी हाइट बिकॉज इसी को हम ऊपर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं तो हाइट हो जाएगी पांच अपने पास एक ओपन डिब्बा बन गया ये वाला और वो इसके बारे में पूछ रहा है तो नंबर वन सिली मिस्टेक जो यहाँ पर बच्चे करते हैं आपको हमेशा ध्यान रखनी है जो भी बातें मैं आपको बताता हूं वो आपको एग्जाम में याद आएंगी इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये ऊपर से खोखला है यहाँ से यहां इसका कुछ भी नहीं है ओपन डिब्बा है लेकिन फिर भी टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं सारे के सारे सरफेस इसका नंबर वन सिली मिस्टेक वो अवॉइड करनी है नंबर ये जो क्वेश्चन है ये ये वाला क्वेश्चन मैं मानूंगा कि ये गलत है मतलब एग्जामिनर कैसे कैसे दे सकता है वो मैं आपको बताता हूँ देखो अपने पास एक ओपन डिब्बा है भाई ठीक है इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है एग्जामिनर तो अगर इसका टोटल सरफेस एरिया वो पूछेगा तो हमें करना क्या पड़ेगा हमें इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा पांच फेसिस का एक कमरा मान लो जिसकी छत नहीं है पांच फेसिस का अंदर से भी निकालना पड़ेगा और बाहर से भी तो निकालना पड़ेगा क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है एस के अंदर कि एक ओपन बॉक्स है वुड का बना हुआ और अगर वो इसका टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो हम क्या करते हैं हम अंदर का निकालते हैं बाहर का निकालते हैं और इस वाले एरिया का निकालते हैं यहाँ पर अगर विड्थ नहीं दी हुई है तो आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालोगे और उसे डबल करोगे वो होगा राइट आंसर लेकिन एग्जामिनर भी ये वाला दे सकता है तो अगर आप डबल करके निकालो अगर एक बार निकाल के दे रखा हो और डबल वाला भी दे रखा हो तो हम क्या करेंगे तो डबल वाले को टिक करेंगे अगर एक बार ही दे रखा है उसने डबल नहीं किया तो एक बार वाले पे टिक कर देंगे मैं कहना क्या जा रहा हूं कि अंदर वाला भी और बाहर वाला भी वो निकाल सकता है अगर थिकनेस जो है वो बिल्कुल मिनिमल है उसने थिकनेस की बात ही नहीं की तो एग्जैक्टली सेम को हम डबल कर देंगे समझ में आ गई बात अब इसमें आप कैलकुलेशन कम कर सकते हो कैसे कर सकते हो देखो हम निकाल रहे हैं एरिया चाहे टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हो कैसा भी निकाल रहे हो हम एरिया निकाल रहे हैं एरिया एक टू डायमेंशनल चीज़ है मैं क्या करूँगा मैं यहाँ से अगर कुछ कॉमन काट सकता हूँ मैं काट लूँगा पाँच एक कम पाँच पाँच सौ के बीस पाँच से जाएगा तेरह पर मैं तेरह चार और एक को यूज़ कर लूंगा और जो भी उत्तर आएगा उसको मैं पाँच से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा बिकॉज ये लंबाइयाँ हैं वन डायमेंशनल चीज़ से मैंने पाँच छीना है तो टू डायमेंशनल चीज़ को मैं पाँच का स्क्वायर पच्चीस दूंगा मैंने पहले ही पच्चीस लिख दिया और मैं उत्तर निकाल लूंगा तेरह चार और एक की मदद से हमें क्या निकालना है चार दीवारों का एरिया और फर्श का एरिया डिब्बे की तो गायब है तो चार दीवारों का एरिया पेरीमीटर ऑफ द बेस यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ तेरह और चार सत्रह का डबल चौतीस इंटू में हाइट चौतीस इंटू एक प्लस में एरिया ऑफ द फर्श फ्लोर का एरिया तो तेरह चौके बावन ठीक है तो ये हो जाएगा जी छियासी तो ये एग्जैक्टली exactly आ गया एक बार ठीक है तो एग्जाम में इसका डबल भी दे सकता है अंदर वाला और बाहर वाला और सेंस बनाता है डबल देना अगर इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है टोटल सरफेस एरिया पूछा डबल देना सेंस बनाता है बट एग्जामिनर भी एक बार दे सकता है तो जहां से भी पांच और दो मैं छीन सकता हूं मैं छीन लूंगा मैंने तो उसका एक दस बन जाएगा मैंने पांच यहां से छीना तो पांच बन गया अब दो मैंने यहां से छीना तो कितना बन गया भाई फोर्टी थ्री तो मैंने एक दस बना के यहाँ रख दिया पाँच दिए पंद्रह एक पाँच चुके बीस और एक इक्कीस उत्तर एग्जैक्टली इसका डबल फोर्टी थ्री हंड्रेड भी हो सकता था ठीक ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें हैं आप सब कुछ पढ़ चुके हो तो छोटे छोटे गैप्स हैं जो मैं फिल करूंगा जो आपको फिल करने हैं छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी एक मॉक में नहीं होगी लेकिन जब हम पंद्रह बीस मॉक कर चुके होंगे तो क्या होएगा कई सारी चीज़ें जहाँ पर आपकी कमी थी वो पूरी होती जाएगी ये है अपना काम नेक्स्ट तो ये जो क्वेश्चन है इजी है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इसको हम तीन तरीके से कर सकते हैं तीन तरीके से कैसे नंबर वन आप कर सकते हो फार्मूले से ठीक है और फार्मूले के अलावा जैसे अगर आपके पास ऐसे इजी वैल्यूज हों ऐसे ईजी पंद्रह बीस पच्चीस तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन लगा सकते हो जो टेक्स्ट सॉल्यूशन आपको मिला है जैसे पंद्रह परसेंट का डिस्काउंट का डिस्काउंट अस्सी बटे सौ यानी कि चार बटे पांच पच्चीस परसेंट का डिस्काउंट सेवेंटी फाइव बाई हंड्रेड यानी कि थ्री बाई फोर आप इसी को सोल्व करेंगे सत्रह तीय इक्यावन बीस पंदे सौ तो सौ के ऊपर फोर्टी नाइन का डिस्काउंट इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो अगर अपने पास तीन डिस्काउंट है तो उनका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे में 100 प्लस में ए बी सी बटे में 100 गुणा सौ इसके अलावा हम वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं वैल्यू सौ मान लो और इतना इतना डिस्काउंट देते रहो लेकिन अगर सिंपल वैल्यूज हों जिनकी फ्रैक्शन ईजी हैं तो हम क्या करेंगे हम ये वाला मेथड यूज करेंगे अदरवाइज फॉर्मूले वाला मेथड बहुत बढ़िया रहता है ठीक है और फॉर्मूले वाले मेथड में बिकॉज ये वैल्यू बहुत ही छोटी आएगी तो मैक्सिमम टाइम आप इसको इग्नोर कर पाओगे ठीक है अब ये क्वेश्चन मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ सिर्फ इतना केस होता तो मैं डिस्कस नहीं करता कई बार यहाँ पर कैलकुलेटिव चीजें आ जाती हैं पंद्रह पॉइंट तीन परसेंट का डिस्काउंट बीस पॉइंट दो परसेंट का डिस्काउंट ऐसे सोलह पॉइंट पांच परसेंट का डिस्काउंट कैलकुलेटिव चीजें आ जाती हैं तो यहाँ पर कैलकुलेटिव चीजें आ जाएं तो एक तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं एक कि जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट आप निकाल रहे हो और कोई भी एक डिस्काउंट मौजूद हो कोई भी एक डिस्काउंट हो जिसका डिजिट सम एक है तो नेट डिस्काउंट का डिजिट सम भी अगर एक या एक से ज्यादा मतलब एक भी डिस्काउंट मिल गया जिसका डिजिट सम एक है तो नेट नेट डिस्काउंट ही बोल देंगे इसको ना तो नेट डिस्काउंट का जो डिजिट सम है वो भी एक ही होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं मैं बताता हूं देखो मान लो अगर मैं बोलू तीन डिस्काउंट है सक्सेसिव पंद्रह का और दस का और सत्रह का डिस्काउंट है कैलकुलेटिव है करने को इसको हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हाँ लेकिन यहां पर एक ऐसा डिस्काउंट है जिसका डिजिट सम है एक डिजिट सम यानी कि डिजिट का सम एक और जीरो एक ठीक है जैसे आठ और सात पंद्रह और एक सोलह यहां पर बना सोलह तो इसका डिजिट सम है जी सात तो अगर कोई भी एक डिस्काउंट अवेलेबल है जिसका डिजिट सम एक है कोई भी एक एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा बट एक चाहिए मुझे अगर डिस्काउंट का डिजिट सम एक है यहां पर एक है तो इसका जो भी उत्तर होगा जैसे यहां पर देखो नौ को तो आप इग्नोर ही कर देते हो डिजिट सम में डिजिट सम होता है क्या है नौ से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ठीक है पांच और चार नौ तो जीरो आ गया डिजिट सम या नौ आ गया ठीक है छ और चार दस दस यानी कि एक और जीरो एक और आठ और चार बारह डिजिट सम आ गया तीन तो अगर ये वाले डिस्काउंट होते और एक ही उत्तर है जिसमें डिजिट सम एक है तो मैं सीधा बी मारता खत्म बात ठीक क्लियर है अदरवाइज ठीक है सर अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सर जिनके अंदर डिजिट सम एक हो या फिर अपने ये जो पूछे गए हैं यहां पर डिजिट सम एक हो एक ना हो यानी कि ये वाला केस ना हो तो हम क्या करेंगे सर तो अगर ये वाला केस ना हो और फिर भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे तो आप डिजिट सम का ही यूज कर लो डिजिट सम का यूज कर लो कैसे जैसे उत्तर में देखो इसका डिजिट सम है चार इसका डिजिट सम है नौ छह दस एक आठ और चार बारह दो और एक तीन सबके डिजिटसम अलग अलग हैं जी हाँ क्वेश्चन तो को कैलकुलेट करने में यानी कि पांच और एक लो ऐसे होता पंद्रह पॉइंट सात परसेंटेज तो मैं क्या कर लेता मैं ये कर लेता देखो सात और तीन दस एक आ गया डिजिटसम पांच और एक छत ठीक है तो सात और तीन दस और छोलह छ और एक सात तो सिर्फ सात को यूज कर लेता इतनी बड़ी वैल्यू की बजाय यानी कि पंद्रह है तो पंद्रह की जगह छह यूज कर लूंगा बीस की जगह दो और जीरो दो यूज कर लूंगा और भैया पांच और दो सात यूज कर लूंगा इनके ऊपर मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा जो फाइनली आएगा मैं डिजिट सम ही कैलकुलेट करता रहूंगा और एक और बात मैं आपको बता दू जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे डिजिट सम के ऊपर तो आपको सो ये वाला सो ये वाला सो इनकी जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि सो को जब आप नौ से डिवाइड करते हो तो एक आता है तो इनको इग्नोर ही कर देना तो ये कब काम आएगा जब वाकई में ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा दिखते रहते हैं एग्जाम में ये मत सोचना कि मैम स्पेशल सिचुएशन में बना के नहीं लाता ज़बरदस्ती जो काम की ना हो नेक्स्ट इस सिक्स डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाई थर्टी सिक्स तो अगर ये थर्टी सिक्स से डिविजिबल है भाई लिखा नहीं भाई ये, ये तो था नहीं पे रुको एक बार इला, ओहो। पावर चढ़ा दिया यार इधर ठीक है ठीक है ठीक है कोई नहीं ये टाइप करते हुए यहाँ पर ये, ये एग्जैक्टली ऐसे था क्वेश्चन ग्यारह पी 9 Q चार ठीक है ये जो है थर्टी सिक्स से डिविजिबल है थर्टी सिक्स का मतलब है ये नौ और चार से डिविजिबल है तो सबसे पहले चार की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा तो मैं यहाँ पर ऐसे देखूंगा कि मैं क्यू की जगह क्या रखूं कि ये दो डिजिट से बना हुआ नंबर चार से डिविजिबल हो जाए तो Q की जगह जीरो रखते ही जीरो और चार तो डिविजिबल हो जाएगा तो क्यू की एक पॉसिबल वैल्यू आ गई जीरो तो अगली पॉसिबल वैल्यू कैसे आएगी बिकॉज आप चार की डिविजिबिलिटी देख रहे हो ना तो अगली पॉसिबल वैल्यू आएगी इसमें जब आप दो जोड़ दोगे चार है ना देखो चार की डिविजिबिलिटी देख रहे हो तो एंड में यहां पे एक पॉसिबल वैल्यू आते ही आपको चार जोड़ना पड़ेगा और यहां पर अगर एक पॉसिबल वैल्यू आपको मिल जाए तो उसमें दो जोड़ना पड़ेगा चार का आधा ऐसे आधा करते रहेंगे बिकॉज ये दो की पावर है चार तो जीरो एक पॉसिबल वैल्यू है तो जीरो दो चार छ आठ ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं किसकी क्यू की ठीक अब क्यू की किसी एक वैल्यू के लिए क्यू की वैल्यू जीरो होगी तो पी की कुछ वैल्यू होगी क्यू की वैल्यू दो होगी तो पी की कुछ वैल्यू होगी हाँ जी सर आप सही बोल रहे हो ऐसे होगा तो हमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी स्क्त क्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर हम बताएंगे तो तो की वैल्यू जीरो तो नहीं हो सकती ठीक है तो सर क्या क्यू की वैल्यू आठ होगी नहीं क्यू की वैल्यू आठ हो सकती है लेकिन होना जरूरी नहीं है क्योंकि क्या अब तक क्यू की वैल्यू आठ के लिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात तक क्यू की वैल्यू आठ के लिए पी की कुछ ऐसी वैल्यू निकले कि जीरो आ जाए या एक आ जाए क्यू की वैल्यू दो के लिए पी की वैल्यू नौ आ जाए और हो सकता ये बड़ा हो जाए। समझ में आ रहा आपको। है जिस भी वैल्यू पर पी और क्यू आए तो हम लेंगे ठीक है जी तो पी स्क्र क्यू मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब पी इंटू क्यू मैक्स होगा तो देख लेते हैं ना कब होगा पी इंटू क्यू मैक्स अभी देख लेते हैं देखो तो मैं नौ की डिविजिबिलिटी लगाऊंगा तो मैंने नौ को काट दिया चार और एक पांच और एक छो तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू थ्री पी प्लस क्यू इज इक्वल टू थ्री होना चाहिए देखो ये नौ है चार और एक पांच और एक छः में क्या जोड़ू कि नौ का मल्टीपल हो तो छ में तीन जोड़ूंगा तो p और q की वैल्यू या तो तीन होगी या तीन में नौ जोड़ दो बारह होगी या बारह में नौ जोड़ दो इक्कीस इक होगी ऐसे होगी तो p और q का सम तीन हो सकता है तो देखो अगर क्यू की वैल्यू या फिर बारह हो सकता है अब देखना क्यू की वैल्यू आठ है क्यू की वैल्यू आठ है तो इन दोनों का सम तीन तो नहीं होगा है ना तो क्यू की वैल्यू आठ है तो पी की वैल्यू चार है तो आठ सौ के बत्तीस आया इनका प्रोडक्ट मुझे पता है नहीं ना कहाँ पर बड़ी मिलेगी हो सकता है क्यों की बड़ी वैल्यू पर पी बहुत छोटा आ जाए कोई और कॉम्बिनेशन बन जाए तो रियल में इक्वेशन ऐसे करने का है ठीक है तो क्यू की वैल्यू अगर छ होगी ये छ हो जाएगी छ छे छत्तीस ये तो बन जाएगी बात अगर ये छह हो जाएगी तो उत्तर तो दूसरे के हिसाब से था शायद डटस्सी छत्तीस तो का बारह सौ छियानवे हो जाएगा यहाँ पर वो तो उत्तर होएगा नहीं अगर इसकी वैल्यू छ है तो ये तो डिवाइड हो गया तो छ है तो छह यह भी हो जाएगा एक एक छ नौ छ चार छ और चार दस और छः सोलह और दो अठारह छ और छः पर आ रहा है भाई उत्तर इसका मतलब यहाँ पर जो मॉक के अंदर उत्तर मेरे ख्याल दिया गया था बी वो गलत हो जाएगा देखो बढ़िया हुआ आपको एक चीज सीखने को मिल गई तो हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी थी पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर की तो जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि पी स्क्र क्यू स्क्वेयर की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है तो इनका प्रोडक्ट तभी बढ़ाएगा जब क्यू बड़े से बड़ा होगा नहीं क्योंकि हो सकता है ना पी छोटा हो जाए तो अभी भी जरूरी नहीं है यही होगी आगे देखते हैं तो क्यू की वैल्यू चेर है तो भैया ये आठ हो जाएगी और क्यू की वैल्यू अगर दो है तो दो है तो पी को देखो ये दो है तो दो और दस बारह तो हो नहीं सकता दो है तो पी को एक ही होना पड़ेगा तो प्रोडक्ट सबसे बड़ा आ रहा है यहां पर पी और क्यू का और मुझे निकालना है पी क्यू का होल स्क्वायर यानी कि छत्तीस का स्क्वायर यानी कि बारह सौ छियानवे यानी कि क्वेश्चन गलत है ऑप्शन गलत है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं ए स्पीक्स द ट्रूथ सेवन टाइम्स आउट ऑफ इलेवन टाइम्स ठीक है बी बोलता है फाइव टाइम्स आफ्टर एट टाइम्स वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कॉन्ट्राडिक्ट तो कब करेंगे जब ठीक है जी जब एक सच बोलेगा और एक झूठ बोलेगा ठीक है तो हो सकता है ए ने सच बोल दिया और बी ने झूठ बोल दिया कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे भाई सेम चीज इनसे पूछेगी तो ठीक है हो सकता है ए झूठ बोल दे या बी सच बोल दे अगर ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो या तो इस केस में करेंगे या तो ये वाला केस होगा या ये वाला केस ठीक है तो क्या प्रोबेबिलिटी है तो ए सच बोलेगा इसकी प्रोबेबिलिटी है सात बार बोलता है ग्यारह में से सात बटे ग्यारह बी झूठ बोलेगा बी की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है आठ में से पांच बार ही सच बोलता है तो आठ माइनस पांच तीन बार ही झूठ बोलता है तीन बटे में आठ प्लस ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी ग्यारह में से सात बार सच बोलता है तो चार बार बार झूठ बोलेगा और बी आठ में से पांच सच बोल तो नीचे तो आ जाएगा मेरे भाई एटी एट, दोनों में कॉमन ग्यारह अट्ठासी ग्यारह अट्ठासी तो सात तीन इक्कीस प्लस में चार पांच बीस तो ये हो जाएगा इकतालीस इकतालीस बटे अट्ठासी आगे बढ़े जी ये भी इजी क्वेश्चन है सिर्फ मैंने क्यों लिया है देखो सीधा करके दिखा देता हूँ वो ये बोल रहा है कि भैया अगर एक ट्री में के तने में ठीक है ट्रंक आना चाहिए यहाँ पर या पता नहीं ट्रैम का वैल्यू भी तनाई हो ट्राम में हाँ ट्रंक ही आएगा यहाँ पर पेड़ को जब आप काटते हो तो उसके तने में जो रिंग होते हैं ना उससे उसकी एज डिसाइड होती है तो अगर रिंग साठ हो तो उसकी एज जो है वो अस्सी है और उसका जो प्राइस है वो है मेरे भाई पच्चीस हज़ार ठीक है और ये चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये जितना ज़्यादा होगा उतना ये ज़्यादा होगा ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इसका प्राइस होएगा तो ये बोल रहे हैं कि अगर रिंग सताईस है तो बताओ एज कितनी है तो सिंपल सी बात आप इसको काट लो अगर कट रहा है तो तीन ने में सताइस तीन बीस ये बीस का चार गुना है ना तो ये नौ का चार गुना छत्तीस होएगा उम्र छत्तीस है और उम्र ए के ऑप्शन में छत्तीस है अगर दो में छत्तीस होती है तो मैं आगे देखता कि ये बीस का कितने गुना है नौ का उतने गुना कर देता ठीक आगे बढ़े ये आप खुद कर लोगे आगे बढ़ते मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करवाऊंगा जिनमें मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ टेक्स्ट सॉल्यूशन के अलावा हाँ जी तो इस क्वेश्चन के करने का जो कन्वेंशनल तरीका है वो वही है जो आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन के अंदर मिला है अदरवाइज ये क्वेश्चन नाइन्टी परसेंट ऑफ द टाइम हम बहुत ईजीली कर सकते हैं एक और तरीके से कैसे देखो कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल रहा है आप बोलोगे जी हाँ सर तो क्वार्टरली की रेट कितनी हो जाएगी जी फाइव परसेंट क्वार्टरली यानी कि तीन महीने तो तीन महीने में पाँच परसेंट इंटरेस्ट रेट लग रही है तो हम अप्रोक्सीमेशन से मैक्सिमम टाइम इन क्वेश्चन को कर पाते हैं तो देखो बत्तीस हजार के ऊपर कितना ब्याज लगा है बत्तीस हजार के ऊपर ब्याज लगा है देखना पांच हजार चवालीस तो तीन महीने में कितना ब्याज लगना है तीन महीने में पांच परसेंट यानी कि इसका पांच परसेंट तो दस परसेंट है बत्तीस सौ यानि कि सोलह सौ सोलह सौ ब्याज लगना है तो मुझे एक बात बताओ सोलह सौ इसमें कितनी बार आएगा तीन बार लगभग लगभग तीन बार तीन पॉइंट समथिंग बार सोलह थी अड़तालीस अड़तालीस सौ से बड़ा सोलह सौ चौसठ यानी कि तीन बार यह टाइम पक्का होएगा चार बार होएगा नहीं सोलह चौके चौसठ तो क्या आपको एक बात पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है तो मैं सिंपल इंटरेस्ट वाली टेक्निक अपना रहा हूं कि अच्छा मिनिमम तीन बार तो ये साइकिल हुई है यानी कि नौ महीने तो हुए हैं लेकिन चार बार नहीं हुई है यानी कि बारह महीने नहीं हुए हैं तो अगर यहां पर ऐसे ऑप्शन हो नौ महीना दस महीना ग्यारह महीना फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा लेकिन नौ के बाद देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, वो सिंपल से होता है तो तीन बार सिंपल इंटरेस्ट में तीन ही बार होती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट तीन बार में ही उतना हो गया मैं शायद बोल गया नौ से ज्यादा पहले तो यानी कि नो no होएगा उत्तर ना ये हो सकता ना ये हो सकता ना ये हो सकता तो ऐसे हम अप्रोक्सीमेट करके कर सकते कर हैं इन क्वेश्चन को मैक्सिमम टाइम नहीं है तो बेसिक तरीके से करोगे और ये जो क्वेश्चन है ये सम ऑफ स्क्वायर वाला क्वेश्चन है सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो जब आपको ऐसे दे दिया जाता है ए माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस तीन का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस फोर का होल स्क्वायर इजिकल टू जीरो और इसको ओपन अप कर दिया जाता है तो इस क्वेश्चन को पहचानने में बच्चे क्या करते हैं गलती करते हैं और इसके स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। आपको स्क्वायर कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है ऐसे करने की जरूरत नहीं है और फिर हर एक को जरूरत नहीं है अगर आप पहले ही पहचान तो होंगे के के फोर आ गया कोई दिक्कत नहीं है और एक टू ए बी वाले टर्म होंगे और फिर एक कॉन्स्टेंट चीज होगी यहाँ पर डायरेक्टली एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपको करना क्या है आपको टू ए बी वाले ट्रम को भेजना है ठीक है भेज दिया मैंने सिक्स एक्स को उधर भेजूंगा तो माइनस सिक्स एक्स हो जाए माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा और उसके कॉफिशेंट को हाफ करना है तो माइनस सिक्स का हाफ माइनस थ्री उसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट से अगर आपको ये लगे अरे तो अननेसेसरी ट्रिक बता रहे हो तो सर अननेसेसरी ट्रिक नहीं है भाई ये इतनी ज़्यादा बार ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन इतने ज़्यादा रिपीटिव है कि हमें पता होनी थी। चाहिए ठीक है ओके y की वैल्यू तो मैं टू ए बी वाले ड्रम को माइनस एट वाई को उधर लेकर जाऊंगा तो एट वाई उसका हाफ हो जाएगा चार बटे में वाई एक अब मैं यहां पर वैल्यू पुट करूंगा और अपना उत्तर आ जाएगा आगे बढ़ते हैं जी कर लोगे आप ये करते हैं भाई टीना डज वन थर्ड ऑफ द टास्क इन नाइन डेज टीना वन थर्ड काम को नौ दिनों में करती है इसका मतलब टीना जो है पूरे काम को नौ होती है सताइस वन थर्ड को नौ दिनों में करती है तो सताइस दिनों में करेगी लेटर विद श्याम एंड राम हेल्प टीना ने श्याम और राम की हेल्प ली तो उसके बाद उसने क्या किया रिमेनिंग वर्क तो रिमेनिंग वर्क कितना है रिमेनिंग वर्क है टू थर्ड तो टू थर्ड काम को चौदह दिनों में कर दिया इन लोगों ने तो टू थर्ड काम को चौदह दिनों में कर दिया तो पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे तो पूरे काम को करेंगे टू थर्ड का उल्टा से मल्टीप्लाई कर दो इक्कीस दिनों में इक्कीस दिनों तो ये है नंबर ऑफ डेज की कितने दिन लेंगे और नंबर ऑफ डेज का जो भी रेशियो है उससे उल्टा रेशियो होता है एफिशिएंसी का कि कौन कितने यूनिट काम करता है तो मैं काट रहा हूं मैं डेज का रेशियो निकाल रहा हूं और उसको उल्टा भी लिखूंगा तीन सात इक्कीस यहां पर लिखने के बजाय मैंने यहां लिख दिया तीन में सताइस में यहाँ लिख दिया ये इनकी एफिशियंसी का रेशियो आ गया हाँ एक और काम आप टोटल वर्क इमेजिन कर सकते हो टोटल वर्क इनका एलसीएम लेके ले सकते हो बट तो वो लेने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि अब आ गया टोटल वर्क सताइस इंटू सात कर लो इक्कीस इंटू नौ कर लो आता तो गया टोटल वर्क ठीक है वो टोटल वर्क होता क्या है कि सत्ताईस दिनों में काम हो रहा है रोज सात यूनिट हो रहा है सताइस इंटू सात इन हाउ मेनी डेज राम अलोन कैन फिनिश द जॉब इफ राम इज थ्री टाइम्स एज एफिशियंट एज श्याम राम जो है वो श्याम से तीन गुना एफिशियंट है यानी कि श्याम अगर एक यूनिट काम करता है तो राम तीन यूनिट काम करता है इन दोनों के काम करने की एफिशियंसी का रेशियो है ओके जी वैसे यहां पर देखो टीना जो है सात यूनिट करती है हाँ जी सर और श्याम और राम टोटल देखो टीना सात यूनिट करती है तो नौ में से सात गए दो तो श्याम और राम का सम इस रेशियो में तो दो है और ऊपर वाले रेशियो में चार है तो इन रेशियोज को मर्ज कर दें नीचे भी चार कर दू तो हर एक चीज को दो दुना कर दू जी हाँ कर दिया तो सात की जगह चौदह दो की जगह चार तो नौ की जगह अठारह हो जाएगा सात की जगह चौदह ये मैंने क्यों किया क्योंकि अब टोटल वर्क निकलेगा सत्ताइस इंटू चौदह मैंने रेशियोज मर्ज कर दिए राम और श्याम का सम हाँ जी सर यहां पर भी चार आ गया ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली अब वो कुछ भी बोल दे मैं रेशियो की वैल्यूज को यूज करके बता दूंगा उसने बोला है इन हाउ मेनी डेज राम अलोन राम अलोन कितने दिनों में करेगा तो भैया टोटल काम है सताइस इंटू चौदह बटे में राम करता है तीन यूनिट इतने दिनों में कर देगा चौदह निम्न में एक सौ छब्बीस ठीक है ब्रदर ये आप कर लोगे हाँ जी ये भी बढ़िया सॉल्यूशन है टेक्स से ही आप कर लोगे शायद मैं कुछ ऐड कर पाऊँ सी शॉपकीपर बोट फिक्स फिफ्टी सिक्स डजन एग्स एट रुपीज टू पॉइंट फाइव पर एग वन ट्वेंटी ब्रोकन तो उसने फिफ्टी सिक्स डजन खरीदे और आपको एक बात बताऊं सिंपल सी बात मैं अटैम्प्ट स्ट्रेटजी में मैंने आपको बताया है जैसे मैं आपको स्ट्रेटजी में ये मैंने आपको बताया ना कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे कोई भी क्वेश्चन दिखे वो वीडियो देख लेना भाई जो मैंने रिकमेंड किया या तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हो और अटैम्प्ट उसी क्वेश्चन को करना है जो आपका फ्लो बनाए रखता है अगर आपका फ्लो टूट रहा है अटेम्प्ट करने का फ्लो टूटने का मतलब यह है आप क्वेश्चन कर रहे हो आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग रहा है ये तो ऐसे होएगा, कई बार ऐसे लग रहा है ये पता नहीं कैसे होएगा तो आप सोचोगे ना कि यह कैसे होएगा तो फ्लो टूट जाएगा लगातार क्वेश्चन निकलने बंद हो जाएंगे तो अभी पेपर दूर है मेरी बात पर विश्वास रखो अगर आप अपना फ्लो नहीं तोड़ोगे अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी छोड़ने पड़ गए कि यार ये तो आठ क्वेश्चन छूट गए दस क्वेश्चन छूट गए मैं बोल रहा हूं मेरी बात पर विश्वास रखो अगर आप फ्लो नहीं तोड़ोगे लगातार चलते रहोगे अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे जो भी क्वेश्चन आपको लगे यार ये तो पता नहीं मेरे से होएगा कि नहीं होएगा उसको स्किप कर दो जो क्वेश्चन आपको लगे कर तो लूंगा बट टाइम ले सकता है उसको मार्क एंड रिव्यू कर दो बट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम मत दो तो आपको टाइम मिलेगा दोबारा क्वेश्चंस को करने का मार्क एंड रिव्यू वाले क्वेश्चन को करने का डेफिनेटली टाइम मिलेगा मतलब तो गारंटीड स्ट्रेटजी थोड़ी खराब कर दोगे तो वेदरवाइज सबको करने का टाइम मिलेगा इसकी प्रैक्टिस आप मौके में ही कर सकते हो तो ये बात मानना जरूर ठीक है तो जैसे अब तक हमने जो क्वेश्चन किए है ये तो ये हमने किया आपको समझ में ही आ गया होगा कैसे करना है आप कर लोगे किसी भी क्वेश्चन में आपको लगे कि यार ये तो शायद कैलकुलेटिव हो जाएगा मार्क एंड रिव्यू सीधा मार्क एंड रिव्यू ठीक है आपको पता है कि मैं कर लूंगा बट कैलकुलेटिव हो जाएगा अगर मान लो ये क्वेश्चन आपको लगे कि यार पता नहीं शायद पता नहीं कितना टाइम लगेगा सीधा मार्क एंड रिव्यू लग रहा है बाद में कर लूंगा तो मार्क एंड रिव्यू लग रहा है कि बाद में पता नहीं होगा कि नहीं आइडिया तो नहीं आ रहा स्किप ठीक है क्लियर है भाई तो हर एक क्वेश्चन के साथ आप ऐसे करते चलोगे ओके आगे बढ़ते तो यहाँ पर उसने फिफ्टी सिक्स डजन एग खरीदे यानी कि फिफ्टी सिक्स इंटू ट्वेल्व एग खरीदे है? और इसमें से कितने एग टूट गए एग टूट गए मेरे भाई 120 सौ बीस बिकॉज एग्जैक्टली ये मैटर नहीं करता कि कितने एग खरीदे कितने एग बेचे एग्जैक्ट नंबर क्योंकि यहां पर उसने पूछा है परसेंटेज उसने क्या पूछा है प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज पूछा उसने रुपए में नहीं पूछा ठीक ओके okay, जी तो मैं क्या करूंगा देखो मैं सिर्फ इनका रेसो ले लेता हूँ बारह ढाई दो से गया पांच पर दो से चला जाएगा अट्ठाईस पर टोटल हमने अट्ठाईस एग खरीदे थे पांच एग टूट गए तो हम तेईस एग अट्ठाईस माइनस पांच तेईस एग हम बेच पाए ओके क्योंकि प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको एस और सीपी का रेशियो ही एनफ होता है तो सेलिंग प्राइस कितना है है उसने उसने बेची बेची कितनी चीज़ तेईस चीजें और हर एक चीज कितने की बेची हर एक चीज उसने बेची है इतने की ये इसको ऐसे लिख लेना टू थ्री बाई फोर तो चार दुनी आठ और तीन ग्यारह बटी चार ये आ गया भाई इतनी चीजें बेची इतने रेट की तो खरीदी कितनी खरीदी थी अट्ठाईस कितने की एक चीज़ खरीदी थी 5 बटे दो रुपए की तो गुणा में 5 बटे दो बटे में दो ऊपर चला गया ठीक है तो मैंने एसपी और सीपी का रेशो निकाल लिया ख़त्म बात इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो भाई ये कटेगा क्या दो से दो पर, पांच जाएगा दो ऊपर पाँच जोड़ी दस नीचे आ जाएगा दो सौ अस्सी और ऊपर आ जाएगा टू फिफ्टी थ्री तो मुझे लॉस हुआ है कितने का दस में तीन गए सात सात में पांच गए तो सताइस का इसका दस परसेंट है अट्ठाईस अट्ठाइस से तो कम ही हुआ है लॉस दस परसेंट से तो कम ही हुआ है तो एक तो लॉस होएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है तो ये तो नहीं होएगा लॉस होएगा ओके अब लॉस में नीचे उन्नीस आएगा या चौदह आएगा वो डिपेंड करता है कि सताइस का लॉस दो सौ अस्सी पर तो दो सौ अस्सी को काट कर उन्नीस तो आने से रहा तीन सौ अस्सी होता है अड़तीस होता तो आता अब तो चौदह ही आएगा तो दिस इज द आंसर चाहो तो पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हो अदरवाइज नो नीड ठीक आगे बढ़े तो भाई यहां पर इन्होंने एलजेब्रा का यूज किया है कोस और सीकेंट एक दूसरे के रहसी प्रोकल हैं तो एल्जेब्रा में एक कंसेप्ट है अपना कि एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर रूट तीन के बराबर है प्लस माइनस रूट तीन किसी के भी बराबर हो इफ देन, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स रेज टू पावर सिक्स इज इक्वल टू तो वन ये पूरा कंसेप्ट मैं आपको रिवाइज करवाना चाह रहा था इसीलिए करवा रहा हूँ बस तो उसने हमसे एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब पूछ लिया एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू देखे जो जीरो होना चाहिए ठीक है डायरेक्टली हम इस कंसेप्ट अगर ये याद रहेगा अब कई बच्चों को ये स्ट्राइक ही नहीं होएगा कि ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो आपके कंसेप्ट नोट्स हैं जो आपने खुद लिखे है, हैं हैंड रिटन कंसेप्ट नोट्स उनको बार बार रिवाइज करो उनको रेगुलरली रिवाइज करो हर कुछ दिन में क्योंकि मैं सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूँ ना तो पूरा चैप्टर रिवाइज करने के लिए बोल रहा ना सारे क्वेश्चन के टाइप रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ कंसेप्ट तो कंसेप्ट ही है तो आप कर क्या सकते हो पता आप आधे घंटे में पूरे अरिथमेटिक में से निकल सकते हो आधे घंटे में एडवांस से निकल सकते हो हर दो तीन दिन में एक बार अरिथमेटिक से या एटलीस्ट चार पांच चैप्टर से निकल जाओ ताकि जो चीजें डायरेक्ट पूछी जा रही हैं वो सीधी आपको नजर आने लग जाए ठीक नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ना ये मेरे को तो इसकी स्टेटमेंट पसंद नहीं आई इसमें गड़बड़ी मुझे लगी क्या बताता हूं मैं इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड थ्री फोर्थ ऑफ द ओरिजिनल रेट या फिर ऑफ द रेट ऐसे बोलना चाहिए था आर पहले आर वर्ड यूज नहीं हुआ एंड द सिंपल इंटरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द देंज वैल्यू ऑफ टी यहां पर होना चाहिए था टी ठीक है अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं टी साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट अर्न हुआ किसी अमाउंट के ऊपर रेट थी, ठीक। टाइम हमें नहीं बताया लेकिन रेट थी आठ परसेंट आठ परसेंट पर सिंपल इंटरेस्ट था किसका अब ये बोल रहा है कि अगर रेट को हम थ्री फोर्थ कर देते पहले जो भी रेट थी उसको अगर हम थ्री फोर्थ कर देते तो टाइम के साथ क्या होता रेट को हम थ्री फोर्थ कर देते एंड सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम और सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इन टू टाइम बटे में सो ठीक है जी तो सो की वैल्यू तो हमेशा सौ रहती है कभी चेंज नहीं होती जी हाँ ठीक है और इसने क्या बोला है इसने क्या प्रिंसिपल को चेंज किया है नहीं चेंज किया इसने प्रिंसिपल को सेम रखा सिंपल इंटरेस्ट तीन तीन चीजों पर डिपेंड करता है प्रिंसिपल रेट और टाइम बटे में सो तो सो ही रहता है हमेशा इनमें से कुछ भी चेंज करोगे तो वो चेंज हो जाएगा ठीक है तो अगर आप रेट को डबल कर दोगे और आप बोल रहे हो सिंपल इंटरेस्ट सेम रहा तो रेट डबल करी तो टाइम हाफ होएगा रेट तीन बटे दो गुना करी, तो दो तीन ये है तो यहाँ पर उसने क्या किया देखो उसने ये बताया है कि रेट जो है वो हमने थ्री फोर्थ कर दी तो रेट को अगर आपने थ्री फोर्थ कर दिया प्रिंसिपल अपना सेम था सिंपल इंटरेस्ट भी सेम ही रहा बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट रिमेंस द सेम तो आपका टाइम जो है पक्का आपने फोर बाई थ्री किया होगा तभी तो सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा रेट में कुछ चेंज किया तो टाइम में उसका उल्टा चेंज होएगा ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए और सिंपल इंटरेस्ट सेम रह जाए नहीं तो रेट के दो गुणा करने पर सिंपल इंटरेस्ट भी दो गुणा हो जाएगा ठीक है तो रेट थ्री फोर्थ करी तो टाइम फोर बाई थ्री चार बटे तीन गुणा हो जाएगा फोर बाई थ्री टाइम्स हो जाएगा किससे पहले वाले टाइम से पहले वाला टाइम कितना था देखते हैं इसने बोला इट रिमेन्स सेम एस टी गलत है थ्री फोर्थ ऑफ द टाइम ये शायद ये यहाँ पर टी कहना चाह रहा है एग्जामिनर इसने है ठीक है तो अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी आठ परसेंट सिंपल इंटरेस्ट बना फोर फिफ्थ फोर फिफ्थ यानी कि अस्सी परसेंट अस्सी परसेंट सिंपल इंटरेस्ट बना हर साल आठ परसेंट जुड़ रहा था तो इसका मतलब दस साल लगे होंगे हर साल आठ परसेंट अस्सी परसेंट जुड़ने में दस साल लगे होंगे ठीक है तो पहले टाइम जो था वो टेन ईयर्स था अब जो टाइम है वो इसका फोर बाई थ्री टाइम्स है तो टेन इंटू फोर बाई थ्री यानी कि चालीस बटे तीन यानी कि तेरह एक बटे तीन हो गया टाइम तो यहां पर अगर आपने इक्वेशन ठीक से नहीं किया तो मैं नहीं मानता आपकी गलती है क्योंकि एक तो ये दो जगह आर आ गया इसने आपको कन्फ्यूज किया होगा राइट स्टेटमेंट ये है और एक और बात एग्जाम में भी आपके इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं तो आपको इसके नंबर नहीं मिले वो कोई दिक्कत नहीं अगर आपने इसके ऊपर टाइम वेस्ट किया है वो भी ज्यादा वो भी बीच में अगर आपने दो तीन क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट किया है और वो दो तीन क्वेश्चन आपके एंड में आपने सत्ताईस क्वेश्चन करने के बाद उनके ऊपर टाइम वेस्ट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है बीच में टाइम वेस्ट किया है यानी कि स्ट्रेटी खराब है इस चीज़ से बचना ये मतलब बोलना बनाने वाले की गलती है क्यों पेपर में भी हो जाता है ऐसे तो बीच में मत मतलब ना टाइम वेस्ट करो बीच में दिमाग लगाना पड़ रहा है तो मत मतलब लगाओ ना उसको स्किप करो छोड़ो उस क्वेश्चन को ठीक है अगर गलत टाइम पर आपने टाइम इन्वेस्ट किया है तो गलत है फिर देख लेना आपने क्या किया आप जानते हो ईमानदारी से ओके okay भाई ए बैग कंटेन एट रेड फोर येलो बॉल्स एंड फाइव ग्रीन बॉल्स बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का बट करवा देता हूं मैं छोटी तो सी एक आधी चीज और बता दूंगा मैं आपको थ्री बॉल्स आर पिक रैंडम वट इज द प्रॉबी दैट नन इज येलो कोई भी बॉल येलो ना हो एक तो कई बार बच्चे इसको सबसे पहले इसीलिए मिस्टेक ये करेंगे कि ऑल येलो कर लेंगे ऑल येलो करके उसको वन में से घटा देंगे क्यों उसने बोला है कि कोई भी येल्लो ना हो एक भी येल्लो ना हो ओल येल्लो का मतलब होता है कि सारी येल्लो हों ये भी येल्लो ये भी येल्लो ये भी येल्लो ये तीन बोल निकाली है ठीक है ओल येल्लो में ये केस आएगा एक में से अगर आप ये वाला केस घटा रहे हो तो इसका मतलब एक में से घटाने का मतलब पता क्या होता है कि इसके अलावा वाले सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी जोड़ना अब देखो हमें चाहिए कि पहली भी येल्लो ना हो दूसरी भी येल्लो ना हो तीसरी भी येल्लो ना हो और ये वाला केस है तीनों येल्लो हों लेकिन अगर कोई ऐसा केस है कि ये भी येल्लो हो ये भी येल्लो हो ये भी येल्लो ना हो क्या हमें ये वाला केस चाहिए उसने बोला है नीज ये हमें तो कोई भी येल्लो नहीं चाहिए लेकिन यहां पर तो दो येल्लो है क्या हमें ये वाला केस चाहिए मान लो ये येल्लो नहीं है ये येल्लो नहीं है ये येल्लो ये, ये भी नहीं चाहिए हमें तो कोई भी येल्लो नहीं चाहिए हमें चाहिए ये वाला केस लेकिन अगर आप ये प्रोबेबिलिटी निकाल के वन में से घटा दोगे तो वन में से घटाने का मतलब है इसके अलावा सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी तो ये सारे आ जाएंगे मुझे तो ये चाहिए नहीं ना भाई हमें तो ये चाहिए नहीं हमें तो सिर्फ ये चाहिए नंबर वन क्लियर है अंडरस्टैंडिंग ओके देन पहली वाली भी मुझे येलो नहीं चाहिए दूसरी भी मुझे येलो नहीं चाहिए तीसरी भी मुझे येलो नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या है जब आप बॉल उठाने जाओगे तो उन बॉल में से उठाओ जहां पर येलो नहीं रखी यानी कि येलो को छोड़कर आठ रेड और पांच ग्रीन तो आठ और पांच तेरह इन तेरह बॉल में से उठा लो येलो आएगी ही नहीं तो ठीक है यानी कि मुझे तीन बॉल छांटनी है इन बॉलों में से इन तेरह में से छांटूंगा तो तेरा में से तीन छाटने के तरीके हैं थर्टीन सी थ्री ये है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम टोटल बॉल है आठ और पांच तेरह और चार सत्रह सेवनटीन सी थ्री अब आपको एक बात बता देता हूं थर्टीन सी थ्री सेवनटीन सी थ्री इनको सोल्व करने का एक तरीका बच्चों को ये इलेन्दी वे से आता है देखो भाई टेन सी टू है तो सिंपल सी बात ये है दस को लेकर जाओ दो टर्म्स तक घटाते हुए ऐसे घटाते हुए हो गए ना दो टर्म और नीचे दो फैक्टोरियल लिख दो अपने उसके अंदर ऐसे मिलता है ना ये बेसिक बुक्स के अंदर ऐसे मिलता है ना कि टेन फैक्टोरियल बटे में टू फैक्टोरियल बटे में टेन माइनस वो बुक्स वो स्कूल के लिए है अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो अलग तरीके से इसलिए हम यहाँ पर क्वांट पढ़ रहे हैं मैथनी है ना जहाँ पर भी एज विल्स के हम लेंगे जैसे मान लो ऐसे है टेन सी थ्री तो टेन तीन तक जाओ तीन यानी कि तीन नंबर तक नहीं तीन टर्म्स तक एक दो तीन और नीचे नहीं है इसमें दो ही है एक तो ऊपर ये और एक ये अगर मान लो सेवनटीन सी फोर है तो सत्रह इंटू सोलह इंटू पंद्रह इंटू चौदह बटे में चार फैक्टोरियल जो कि होता है चौबीस ठीक है तो यहां पर क्या आएगा ऊपर तेरह इंटू बारह इंटू ग्यारह बटे में तीन फैक्टोरियल ऊपर भी नीचे भी तो वो तो कट गया तो वो मैं लिख ही नहीं रहा तो बस ये आप सोल्व कर ही लोगे ऐसे करना है आपको एग्जाम में ठीक, बढ़ आगे। ठीक है बढ़ ये क्या भाई चलिए इजी क्वेश्चन है जल्दी से बता देता हूँ ये ऐसे बोल रहा है एक बंदा लाइट हाउस के ऊपर खड़ा था यहाँ पर 45 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है उसने एक जहाज को देखा भी काम है नहीं उसके पास तो जहाज डिग्री का एंगल बन रहा था फिर जहाज थोड़ा सा उसके पास आ गया तो जो एंगल है वो फोर्टी फाइव डिग्री का बनने लग गया ठीक है ओके तो बोल रहा है कि यहां से यहां तक जहाज ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसने यहां की वैल्यू दे दी है कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसे आप रियल वैल्यू को यूज करना स्टार्ट मत करो आप क्या करो रेशियोज लिखो ये फोर्टी फाइव है तो इसके सामने ये वन तो ये भी वन ये भी फोर्टी फाइव होगा वन वन ठीक है अब तीस के सामने आपने वन लिखा तो ये पूरा बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर ये पूरा साठ है ये क्या हो जाएगा रूट थ्री हो जाएगा बड़े वाले ट्रेंगल में तीस साठ नब्बे की ट्रेंगल हो गई ये तो ठीक है तो ये डिस्टेंस वो पूछ रहा है रूट थ्री माइनस वन पूरा रूट थ्री है ये वन है रूट थ्री माइनस वन वो करता क्या है इनमें से किसी एक की वैल्यू दे, दे देगा इसकी या इसकी और किसी दूसरे की पूछ लेगा ठीक है तो उसने एक यूनिट की वैल्यू दे दी जो कि है फोर्टी फाइव तो बताओ इतने यूनिट की वैल्यू क्या होगी एक की वैल्यू वो है तो इसकी वैल्यू रियल चीज़ें फोर्टी फाइव गुना है तो फोर्टी फाइव इंटू में रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री होता है थ्री टू वन पॉइंट सेवन थ्री टू माइनस वन यानी कि फोर्टी फाइव इंटू में पॉइंट सेवन थ्री टू तो मैं क्या करूं भाई एक काम करते हैं तीन के बाद पॉइंट लगा देंगे पहले मैं पैंतालीस और सात सौ बत्तीस को गुना कर लूँ देखो सात सौ बत्तीस में चार है यहां पर पच्चीस होता है तो मैं यहाँ से पच्चीस यहाँ से चार निकालता और दो जीरो बना देता लेकिन वो है नहीं तो मैं पांच और दो निकाल रहा हूँ देखो यहां से मैंने दो निकाला और यहाँ से पांच तो बन गया दस यानी कि एक जीरो पांच निकालने के बाद ये नौ बन गया दो निकालने के बाद ये दो तीय छः दो छे बारह दो छके बारह नौ छके चौवन नौ छके चौवन और पाँच नौ तीस, सत्ताईस और पांच बत्तीस तीन के बाद पॉइंट भी लगाना था ये रहा बत्तीस पॉइंट नौ छह ठीक है ओके तो ये क्वेश्चन का जो टेक्स्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है वो एक फॉर्मूले के ऊपर पेश और वो बिल्कुल ठीक है तो मैं दूसरे तरीके से करवा देता हूँ उससे भी आप कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो देखो अगर आप इसको बेसिक तरीके से भी कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं देखो अगर वो पाँच की स्पीड से जा रही है एक केस में हाँ जी तो वो दस मिनट लेट हो रही है फिर उसने अपनी स्पीड को एक बढ़ा लिया यानी कि वो छः की स्पीड से जा रही है तो ये है इनकी स्पीड का रेशियो तो दो सिचुएशन है तो उनके टाइम का रेशियो क्या होगा दोनों सिचुएशन का ये डिस्टेंस सेम है ठीक है स्पीड कोई डबल कर लेगा तो टाइम हाफ लगेगा तो टाइम का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा ठीक है पहली सिचुएशन में छह यूनिट टाइम लग रहा था तो अब पाँच यूनिट टाइम लगेगा लेकिन रेशियो में दोनों नो सिचुएशन के बीच में एक यूनिट का फर्क है लेकिन रियल में रियल में जिस टाइम पर उसको पहुंचना था उस टाइम से वो पहले तो दस मिनट लेट हो रही थी और स्पीड बढ़ाने के बाद क्या हुआ वो पंद्रह मिनट पहले पहुंचने लगी तो पहले तो रिक्वायर्ड टाइम से दस मिनट लेट हो रही थी अब पंद्रह मिनट पहले पहुंचने लगी ठीक है यानी कि पच्चीस मिनट का फर्क है दोनों सिचुएशन में पच्चीस मिनट का फर्क पड़ गया तो एक मिनट का फर्क पड़ा है रेशियो में रियल में पच्चीस मिनट का तो रियल टाइम जो है वो पच्चीस इन रेशियोज का तो यहाँ का रियल टाइम है पच्चीस छिके डेढ़ सौ तो मुझे इस सिचुएशन का स्पीड भी पता है टाइम भी पता है डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इन टू टाइम ठीक है भाई तीस दूणी तीस पाँचे पच्चीस पटे दो यानी कि साढ़े बारह पॉइंट पाँच ओके okay. अब कई बच्चों को जो टेक्स्ट सॉल्यूशन में दे रखा है वो भी हो सकता है ना समझ में आया हो कि ये क्या दे दिया वही मैं आपको बता देता हूँ देखो अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो और स्पीड को प्लस माइनस किया गया हो प्लस माइनस स्पीड या टाइम को देखो यहां पर जो मैंने कंसेप्ट किया है वो मैंने किया है गुणा का स्पीड का रेशियो रेशियो तो तो टाइम टाइम का हो हो गया गया दो गुना स्पीड तो आधे गुना होगी टाइम तीन बटे दो गुना हो गया तो स्पीड दो बटे तीन हो तो, गुना हो जाएगी अगर डिस्टेंस सेम है तो ये मैंने गुणा यूज किया है लेकिन ये प्लस माइनस में ऐसे नहीं चलता कि टाइम में प्लस तीन हो गया तो स्पीड में माइनस तीन हो जाएगा ना ठीक है तो अगर कब यूज होगा वो मैं बता रहा हूं यहां पर भी ये यूज हो सकता है अगर दो अलग अलग सिचुएशन हो उन दोनों की स्पीड में कुछ फर्क होगा तो उनके टाइम में भी कुछ फर्क होगा आप बोलोगे जी हां ठीक है कि स्पीड एक बढ़ा दी तो टाइम कितना कम हो गया तो आपको स्पीड और टाइम का डिफरेंस दिया होगा अगर स्पीड पांच किलोमीटर बढ़ाएगा तो हो सकता है दस मिनट कम लग जाए तो देखो तो हम क्या करते हैं तो हम करते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड वन स्पीड टू बटे में डेल्टा एस यानी कि स्पीड्स का डिफरेंस गुणा में डेल्टा टी या तो ये कर लो आ जाएगा या तो ये गेम स्पीड के साथ खेल लो या टाइम के साथ टी वन टी टू बटे में डेल्टा टी गुणा में डेल्टा एस जनरली ये प्रेफर करता हूँ मैं कोई एक चीज याद रख लो वो हमेशा लगेगी मैक्सिमम यह बढ़िया रहता है तो देखो डिस्टेंस जो है वो होगा स्पीड वन पहले पांच की स्पीड से जा रही थी फिर छः की स्पीड से स्पीड का डिफरेंस एक है टाइम का डिफरेंस दोनों सिचुएशन में पच्चीस मिनट का था ठीक है लेकिन आपकी स्पीड किलोमीटर पर आर में है तो टाइम को आप क्या करोगे टाइम को आप करोगे Uh, आर में ठीक है साठ से डिवाइड करता हूँ एक तो क्या है ना मैंने हाँ जी आगे बढ़े उन्नीस खुद कर लोगे बीस कर लोगे इक्कीस ये देखो भाई यहाँ पर ये समझते हैं सबसे पहले चलो समझने का कुछ है नहीं देखो uh, कोई भी एक लाइन है वो कहीं पर भी होगी वो या तो ऐसे होगी एक्स और वाई एक्सिस को काटेगी या ऐसे काटेगी या ऐसे काटेगी या ऐसे काटेगी, काटेगी कहीं ना कहीं पर उसको काटना पड़ेगा एक्स और वाई एक्सिस दोनों को ठीक है जब तक वो ऐसे पैरेलल ना हो जब तक वो ऐसे पैरेलल ना हो ऐसे पैरेलल ना हो अगर वो ऐसे पैरेलल हो गई तो उसकी इक्वेशन क्या होगी मान लो ये यहां से तीन यूनिट की डिस्टेंस पर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कि वाई इज इक्वल टू थ्री एक ऐसी लाइन है कि उसकी हाइट क्या है ठीक थी। है तो ऐसे नहीं मिलेगी एक्स और वाई तो कोई भी लाइन जब चाहिए कैसे भी काटे तरीके से इन को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट लंबाइयों को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट कितनी दूर पर काटा यहां पर कितनी लंबी चीज बनाई यहां पर कितनी लंबी चीज बनाई और इसको हम बोलेंगे लाइन जो इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस एक्सिस के बीच में जो लाइन का टुकड़ा रह गया ये लाइन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं ठीक है तो आप इन इंटरसेप्ट की वैल्यू वैल्यूजिली निकाल सकते हो कैसे देखो आप एक्स की वैल्यू जीरो रखो तो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो रख रहे हो ना यहां पे एक्स की वैल्यू जीरो रखी है खत्म तो वाई की वैल्यू हो जाएगी चार सौ बीस के बटे में सत्रह पॉइंट पांच यानी कि पैंतीस बटे दो सात पांच पैंतीस सात छे बयालीस पांच दूनी दस छः बारह दूनी चौबीस ये चौबीस आ वाई इंटरसेप्ट ये वाली लंबाई कितनी क्लियर है ऐसे ही अगर आप वाई की वैल्यू जीरो रख दोगे तो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी तो वाई की वैल्यू जीरो रख दी तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी चार सौ बीस बटी में छः यानी कि सत्तर ये हो गई जी सत्तर वो बोल रहा है पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी लंबाई बता दो तो देखो अगर आप दो से काटोगे तो बारह पर दो से काटोगे तो पैंतीस पर बारह पैंतीस सैंतीस लेकिन आपने दो से काटा था तो सैंतीस तो नहीं चौहत्तर से ध्यान रखना है इसको आगे से आगे बढ़े ये एक बढ़िया क्वेश्चन है हो सकता है आपने कर लिया हो लेकिन मैं इस क्वेश्चन की ब्यूटी आपको दिखाना चाहूंगा काफी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है देखो अपने पास पांच नंबर हैं दो तीन ए बी नाइन ठीक है जी इन सब का मीन जो है वो पांच है और इन सब की माध्य का मीडियन जो है वो चार है मीडियन क्या होती है मीडियन होती है अगर पांच नंबर हैं तो बीच वाला नंबर लेकिन एक कंडीशन होती है क्या या तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो कैसे तो करो लेकिन यहां पर बताया गया है क्या कि असेंडिंग में है डिसेंडिंग में कई बार एग्जामिनर बताता है लेकिन यहां पर तो नहीं बताया ठीक है हां अब यहां पर आपको लगेगा कि ए इज लेस देन बी ए जो है वो बी से कम है तो सर देखो दो के आगे तीन है और ए जो है वो बी से कम है तो और आगे नौ है ये तो असेंडिंग में ही है सर क्यों हो सकता है एक ए एक हो और बी दो हो हो सकता है ना देखो ए तो छोटा है बी से बट ए जो है वो तीन से बड़ा है ये किसने बोला ये तो किसी ने नहीं बोला मैं ये नहीं बोल रहा क्वेश्चन में कमी है क्वेश्चन में कमी नहीं है तो चीज समझा रहा हूं मैं यहां पर वो नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है देखो ठीक है जी तो सबसे पहले तो आपको लगेगा कि उसने असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं दिया है अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको लगेगा उस वक्त तो हम स्किप करके अगले राउंड में करेंगे क्वेश्चन को अब हम करते हैं देखो उसने बताया है इन सब का मीन जो है पांच है मीन पांच यानी कि इनकी एवरेज पांच है तो पांच नंबर है तो इसका मतलब सबका सम पचू पचू पच्चीस तीन और दो पांच और नौ चौदह यानी कि चौदह प्लस ए प्लस बी शुड बीवल टू पच्चीस चौदह को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा ग्यारह यानी कि ए और बी की वैल्यू जो है वो ग्यारह है क्लियर है ओके अब देखो उसने क्या बताया है उसने बताया है कि मीडियन जो है वो चार है मीडियन चार है अब मीडियन तीसरा नंबर होएगा अब उसने बोला है कि मीडियन चार मीडियन ना तो ये है ना ये है ना ये है मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं देखो हो सकता है ना ए बी से छोटा है लेकिन ए और बी यहां पर आ रहे हो ए यहां पर आ रहा हूं बी यहां पर आ रहा हूं उसने ये तो नहीं बताया ना ए तीन से बड़ा है ऐसे ठीक है तो मीडियन इन तीनों नंबर में से तो नहीं है ना मीडियन क्या होगी जो तीसरे नंबर पर जो नंबर आ रहा है वो होएगी ये मतलब बोला ए ही आ रहा है वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये कहीं पर भी हो सकते थे तो अगर ए या बी में से एक मीडियन है कैसे सर बी कैसे हो सकती है ऐसे भी तो हो सकती है तीसरे नंबर पर चाहिए ना आपको कि दो ए बी तीन नो ऐसे भी तो हो सकते थे नंबर ए छोटा है बी से बट हो सकता है दो और तीन के बीच में हुई है दोनों ठीक ओके सर तो अब देखो मीडियन जो है वो चार है तो अगर ए की वैल्यू चार हुई तो बी की वैल्यू सात होगी इन्हीं में से एक है मीडियन मीडियन तो इन्हीं नंबर में से एक होती है और अगर बी की वैल्यू चार हुई क्योंकि दोनों का सम है तो की वैल्यू साथ होगी तो ये तो केस हो नहीं सकता तो इसका मतलब इसकी वैल्यू चार है इसकी वैल्यू साथ है ठीक आपने कैसे भी करके ए बटे भी चार बटे साथ ही क्वेश्चन कर भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अब तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का टाइम है ना बढ़े आगे आप कर लोगे इजीली इजीली यानी कि आप कैसे भी करो मतलब आप कर लोगे मैं वैल्यू ऐड क्या करूंगा इसमें आप कर ही ठीक ये कर रहते हैं भाई पैरीमीटर ऑफ ए फील्ड इन द शेप ऑफ ए रोम्बस एक रोम्बस है अपने पास पैरीमीटर अठ सौ है यानी कि चारों साइड की लंबाई आठ सौ है तो हर एक साइड दो सौ हो जाएगी जी हाँ अगर मैं इसके डायगनल ऐसे इंटरसेक्ट कर दूँ नंबर डिग्री पर करते हैं रोम्बस के उसने बताया है कि एक डायगनल दो सौ चालीस है कोई भी एक मान लो कोई दिक्कत नहीं अगर एक दो सौ चालीस है तो उसका आधा एक सौ बीस हो जाएगा अब जरा ध्यान से देखो अगर चालीस थी एक सौ बीस चालीस पाँच दो सौ तीन पांच तो ये चार मैंने चालीस से काटा था तो चालीस इंटू चार ये एक, एक सौ साठ होगा मैंने काटा क्यों है ताकि ईजी रह जाए पाई थोड़े तो एक सौ बीस दो सौ एक सौ साठ ये तो उसका एरिया पूछा एरिया होता है हाफ इंटू डायगनल वन इंटू डायगनल टू तो देखो ये 120 है तो पूरा डायगनल 240 ये 160 है तो पूरा डायगनल 320 आप ऐसे कर सकते हो उसके बाद ये लगा के लेकिन एक और थोड़ा सा फास्ट अगर मैं आपको करूँ देखो मैं क्या करता हूँ कि हाफ डी वन किसी भी एक डायगनल को मैं पकड़ लेता हूँ तो ये तो ऑलरेडी डी का हाफ है ना डायगनल का हाफ ही ले रखा है एक सौ हाँ जी तो हाफ डी तो मैंने ले लिया अब सिर्फ डी लेना है तो डी मेरे पास डी का हाफ गिवन है तो मैं ये लो पूरा डी ले लिया मैंने यानी कि सिर्फ इनका प्रोडक्ट करके दो गुना मैंने ये रट नहीं रखा यानी कि हाफ डी वन तो मैंने ले लिया दूसरा मैं पूरा ले लेता आप डी वन डी टू है ठीक है ये आप सॉल्व कर ही लोगे आगे बढ़ जाऊँ मैं ठीक भाई यह भी एक बढ़िया क्वेश्चन है आपको कंफ्यूज कर सकता है कंसेप्ट सिंपल है एक छोटी सी बात है प्रोन टू गलती है वो कैसे है बताता इसने बताया कि दो बंदे थे सिड एंड यूवी बोट टू आर्टिकल्स फोर चौबीस सौ एंड छत्तीस सौ रिस्पेक्टिवली सीड एंड यूवी मार्क्ड मार्क्ड देयर आर्टिकल्स मैं इस क्वेश्चन के ऊपर टाइम लूंगा इसकी पॉसिबिलिटीज आपको मैं बताऊंगा तो ध्यान से समझना ही से अगर आपने कर भी लिया तो भी समझ लेना ठीक है ये ये बोल रहा है कि सिड ने क्या किया सिड ने रेट को एक्स परसेंट बढ़ाया और जो यू वी है उसने एक्स बटे दो परसेंट बढ़ाया मार्कअप किया कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया इतने परसेंट ठीक है जी फिर इन्होंने डिस्काउंट दिया सिड ने जो डिस्काउंट दिया वो दिया जी एक्स बाई दो परसेंट का यानी कि घटा दिया देखो ये कॉस्ट प्राइस है पहले तो इसको बढ़ा दिया ये आ गया मार्क प्राइस फिर इसको घटा दिया डिस्काउंट दे दिया तो ये आ गया सेलिंग प्राइस ये जो बढ़ाया है और ये जो घटाया है इनका नेट क्या चेंज है ओवरऑल इन दोनों चेंज के कारण कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई वो फायदा अगर कुछ परसेंटेज की घटोतरी हो गई घट गया तो वो नुकसान ठीक है जी ये दोनों सक्सेसिव चेंजेस है इस वैल्यू के ऊपर हुआ फिर नई वैल्यू के ऊपर हुआ तो यहां पर आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के सारे कंसेप्ट यूज कर सकते हो यानी कि फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जनरली हम यूज करते हैं इसी जगह पर एक मिनट रुको भाई एक फोन आ गया एक मिनट हेलो ओके तो यूवी ने क्या किया मार्कअप किया एक्स बटे दो परसेंट का और उसके बाद डिस्काउंट दे दिया भाई ने एक्स परसेंट का ठीक है तो ऑफ कोर्स इसने जितना बढ़ाया था उससे ज्यादा घटा दिया तो इसको तो नुकसान ही होएगा। और इसको हम देखें इसको फायदा ही होएगा कम घटाया तो ठीक है थी। वैसे कम घटाया है तो सेम घटाए तो भी नुकसान हो जाता है बट चलो ठीक तो अब देखो ध्यान से एग्जामिनर दो काम करवा सकता है आपसे क्या दो काम करवा सकता है कई बार वो ऐसे बोलता है कि इस बंदे को जो फायदा या नुकसान हुआ वैल्यू में वैल्यू में यानी कि रुपीज में इतने रुपए का और इसको जितने रुपए का फायदा हुआ ये दोनों बराबर हैं या फिर ये इसका तीन गुना है ये इससे अस्सी परसेंट ज्यादा है तो उस केस में मैटर करता है कि ये जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था इसका चौबीस सौ है इसका बत्तीस सौ है छत्तीस सौ है लेकिन यहां पर उसने बोला है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द परसेंटेज ऑफ लॉस जो लॉस परसेंट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लॉस परसेंट रुपए में नहीं लॉस परसेंट percent, इसको परसेंटेज में कितना नुकसान हुआ वो तो छत्तीसों पर डिपेंड ही नहीं करता ना भाई अगर मैं किसी चीज को 20 परसेंट बढ़ा दूं फिर उसको 10 परसेंट घटा दूं तो ओवरऑल कितने परसेंटेज चेंज आएगा ये उस चीज पर डिपेंड ही नहीं करता कि पहले उसकी वैल्यू कितनी थी उस चीज के ऊपर परसेंटेज में अगर उत्तर बताना है तो, है? तो ये चौबीस सो और छत्तीसों पर डिपेंड ही नहीं करता अगर वो वैल्यू में बोलता तो हम किस तरीके से करते वो ही बता दूंगा मैं टेंशन क्यों ठीक है जी तो उसने बोला है कि इस यू को जो परसेंटेज ऑफ लॉस हुआ है जो लॉस परसेंटेज का वो तीन गुना है किस चीज का भाई द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तीन गुना है उससे ठीक है अब यहाँ पर एक और कैच है क्या कैच है देखो अगर मैं आपको एक बात बोलूँ यहीं पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो इसने बीस परसेंट इसने दस परसेंट रेट बढ़ा दिया किसी चीज का इसी बंदे ने इसी को ले लो यू वी कोई और इसने बीस परसेंट का डिस्काउंट दे दिया ठीक है जी ओवरऑल तो इसको क्या फायदा है नुकसान होगा इसको होगा मैं वो फॉर्मूला लगा रहा हूं ए प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन में हंड्रेड ये ठीक है ओवरऑल परसेंटेज चेंज में निकाल रहा हूँ अब देखो ए प्लस बी यानी कि माइनस का टेन माइनस में टेन इंटू ट्वेंटी बटे में हंड्रेड तो ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस का ट्वेल्व ठीक है मैंने माइनस का दस तो ही गया ठीक है जी माइनस का ट्वेल्व तो यहां पर इसको लॉस कितना हुआ है मुझे एक बात बताओ बारह परसेंट लॉस हुआ है या माइनस बारह परसेंट लॉस हुआ है अगर आप लॉस वर्ड यूज करोगे कि इसको नुकसान कितना हुआ तो आप ये बोलेंगे ना बारह परसेंट नुकसान हुआ ऐसे नहीं बोलते माइनस पांच परसेंट लॉस हो गया ये क्या मतलब पांच परसेंट लॉस हुआ दस परसेंट फायदा हुआ लॉस का मतलब ऑलरेडी यही है कि घाटे में चीज भेजती गई तो यहां पर जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो एक माइनस चिपका हुआ आता है तो लॉस एग्जैक्टली बारह परसेंट का हुआ है यहाँ पर तो यहाँ ये यह एक जगह है जहां पर प्रॉन टू मिस्टेक है अगर आप इसको ऐसे करोगे तो ठीक है तो मैं इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा हूँ मैं यहां पर देख रहा हूँ ओवरऑल चेंज कितना है तो ओवरऑल चेंज होगा वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ ए प्लस बी यानी कि एक्स माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा एक्स बाय टू माइनस में ए बिकॉज़ एक नेगेटिव हंड्रेड तो जो केस आया था माइनस बारह परसेंट वाला तो वहां पर आप ये तो नहीं बोलोगे ना माइनस बारह परसेंट लॉस है आप तो ये बोलोगे बारह परसेंट लॉस है मैं इसके साइन को चेंज कर रहा हूं रियल में इसका जो लॉस है यह माइनस डिनोट करता है कि चीज घटी है वैल्यू घटी है ओवरऑल ठीक है तो रियल में जो इसका लॉस है अगर मैं बोलू कितने परसेंट लॉस है तो मैं बोलूंगा एक्स बटे दो मैंने माइनस कॉमन ले लिया सब में से इतने परसेंट का लॉस है इसको इस भाई को इतने परसेंट का लॉस हुआ है ठीक है और इस भाई को इतने परसेंट बिकॉज ये पॉजिटिव है तो इतने परसेंट का फायदा हुआ है इस भाई को तो इसको फायदा हुआ है इतने का इतने परसेंट का इसको जो भी प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है उसका तीन गुना है इसका लॉस परसेंट ठीक है अब अब अगर सर वो ऐसे बोल देता इसको जितना भी फायदा हुआ है रुपए में उसका तीन गुना है इसको जो लॉस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है ये परसेंटेज निकाल रहे हो ना किसका चौबीस सौ का चौबीस सौ का पांच परसेंट निकालना है तो एक परसेंट को पांच गुना कर दो दस परसेंट निकालना तो एक परसेंट को दस गुना कर दो बत्तीस परसेंट निकालना तो एक परसेंट को बत्तीस गुना कर दो इतने परसेंट निकालना है तो इतने को पच्चीस से गुणा कर दो उसके एक परसेंट से गुणा कर दो तो मैं यहां पर चौबीस कर देता गुणा में चौबीस वैल्यू आ जाती यहां पर गुना में छत्तीस कर देता ये छोटी सी चीज बदलती है ठीक है भाई करें अब देखो तीन इंटू एक्स बटे दो यानी कि एक्स बटे दो तो तीन बार और यहां पर है सिर्फ एक बार तो इधर आके घटेगा एक्स बटे दो बार हो जाएगा है। अब एक्सक्ट बटे दो सो है तीन बार वहां पर जाएगा ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा वहां पर एक अगर किसी भाई ने इक्वेशन मॉक के अंदर नहीं किया टाइम लेकर किया तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन करने के बाद तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने फर्स्ट राउंड में या उससे सेकेंड राउंड में थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है तो दिक्कत है ठीक समझ गए भाई ओके तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बस इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ एक बार पढ़ लो इसे याद आ जाएगा आपको इसमें तो हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है कि पाइप ए एक टैंक को भरती है छः घंटे में और पाइप बी एम करती है नौ घंटे में वो बोल रहा पहले तो हमने पाइप ए चलाई और टैंक को भर दिया छह घंटे लगे होंगे क्यों सर क्योंकि पाइप तो छह घंटे में भरती है फिर बोले इस पूरे को खत्म करवाया हमने खाली करवाया तो नौ घंटे लग गए होंगे क्योंकि पाइप भी नौ घंटे लेती है तो नौ और छह तो काफी इजी है क्वेश्चन है ना आगे बढ़ते अगर आपको डायरेक्टली दिख जाए तो ठीक है नहीं भी दिखे आपने एलसीयम वेलसीयम ले लिया फिर किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है छोटी मोटी चीजों की टेंशन नहीं लेनी हमने ठीक है आप हंड्रेड परफेक्ट परफॉर्म नहीं करने वाले हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम बढ़िया परफॉर्म करें ये जो क्वेश्चन है भाई जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं अगर यहाँ पर प्लस आया है आप सिंपली इसको क्या करो इसको आप तोड़ लो दो ऐसे नंबर में जिनके बीच में एक का फर्क है ठीक है तो पाँच और छह अगर हर जगह प्लस आया तो छह उत्तर है अगर हर जगह ऐसे माइनस होता तो पाँच उत्तर है और ये मॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर वैल्यू शायद गलत थी ये मैंने ठीक किया है तो मॉक के अंदर आपको स्क्रीन पर क्या दिख रही थी मुझे नहीं पता बट गलत थी ठीक है आगे बढ़े लास्ट क्वेश्चन ओ ए बी सी इज ए क्वारिलेटर वेयर ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल ठीक है जी ए बी सी आर पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट ए बी सी इज वन ट्वेंटी डिग्री ए बी सी ऐसे कुछ एक सौ बीस डिग्री का दिख रहा है ऐसी सर्कल बना लेते हैं भाई ये ए ये बी ये सी ये है एक सौ बीस डिग्री डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल सज दट ए डी डायमीटर है ए डी डायमीटर है तो डायमीटर को तो सेंटर से पास होना है ना ये मत बनाएगा कोई महानुभव ऐसे बना दो ए डी डायमीटर है सेंटर से पास होगा ठीक है ए डी ओके डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल सज दैट ए डी इज डायमीटर वट इज द मेजर ऑफ ए डी सी ए डी सी निकालना है हमें ये निकालना है और ओ सी ए सी ए ये निकालना है ओ सी ए ये वाला निकाल देखो ए डी सी निकालना है तो इस क्वाड्रिलेटरल को देखना एक बार ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये ये साइक्लिक चक्रीय चतुर्भुज है जी हाँ है तो आमने सामने वाले एंगल्स का सम क्या होएगा एक सौ अस्सी तो ये क्या हो जाएगा ये साठ हो जाएगा अब बोलोगे जी हाँ सर अब हमने निकालना है ये इसके ऊपर फोकस करते हैं भाई ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है ठीक है ये भी रेडियस है इसे कुछ मिलेगा हाँ जी मिल गया देखो इसके सामने साठ है तो इसके सामने भी साठ होगा तो ये साठ होएगा आप बोलोगे जी हाँ सर साठ होएगा और ये डायमीटर है ये नब्बे डिग्री का एंगल बना रहा है तो फिर ये तीस होएगा बचा कुछा आप बोलोगे जी हाँ सर तीस होएगा तो उसने इसका और इसका सम पूछा है तो साठ और तीस नब्बे आंसर इस ऑप्शन पे ठीक है तो दैट्स ऑल अभी काम खत्म नहीं हुआ है अभी आपने एक काम करना है देखो टोटल तीस क्वेश्चन थे तो इसमें से हो सकता है आपने तीस के तीस अटैम्प्ट कर दिए हों, 27 अटैम्प्ट कर दिए हों, अट्ठाईस अटैम्प्ट कर दिए हों, आपने ये देखना है ठीक है तो सपोज आपने सताईस अटैम्प्ट किए हैं तीस में से ठीक है आपने 27 अटैम्प्ट किए तीन क्वेश्चन आपने नोट अटैम्प्ट छोड़ दिए तो आपने ये देखना है जो आपने नोट अटैम्प्ट छोड़े क्यों छोड़े आपकी नॉलेज की कमी थी दो तरह की कमी होती है नॉलेज की कमी थी या फिर एक और तरह की कमी हो सकती है कि स्ट्राइक नहीं हुआ अगर कोई ऐसी चीज़ है भाई मुश्किल सी चीज है बहुत रेयर चीज़ है और आपको स्ट्राइक ना हो आपको ना दिखे कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल है विद प्रैक्टिस सुधर जाएगी लेकिन अगर कोई बेसिक सी चीज़ है कि आ रही है तो दिख जानी चाहिए थी तो इसका मतलब आप क्या करो आप कंसेप्ट नोट्स का रिविजन करो जो मैंने आपको बीच में बताया ठीक है और अगर कोई चीज ऐसी है जो आपके आपको वो आ नहीं रही नॉलेज तो आप उस टॉपिक का रिविजन करो ठीक है और आप ये चीजें लिखेंगे अपनी मॉक नोटबुक के अंदर कि तीन क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए तो इस कारण किए अब मान लो सताइस क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उस सताईस में से आपने तेईस ही ठीक किए तो हुआ क्या आपने चार गलत कर दिए ठीक, ठीक है वो भी आपने देखने हैं क्यों गलत हुए हैं अब एक और चीज आपने देखनी है कि how many questions you could have attempted right? कि हाउ मेनी यू कुड हैव अटेम्प्टेड राइट आप कितने क्वेश्चन ठीक कर सकते थे आज की आज की प्रेजेंट नॉलेज से जो जितने आपने सिलेबस प्रैक्टिस कर लिया कि यार ये तो हो जाना चाहिए था वो देखो और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं मान लो आपको ये लग रहा है कि यार ये सताईस क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे बट मैंने तेईस क्वेश्चन किए ये चार क्वेश्चन नहीं हुए तो ये वो क्वेश्चन है जिनके लिए आप ऑलरेडी मेहनत कर चुके हो ये हो जाने चाहिए थे तो देखो सिली मिस्टेक हुई है तो वो लिखो कि आगे से ये सिली मिस्टेक नहीं करनी मॉक नोटबुक के अंदर लिखो तो ये बेसिक सा एक एनालिसिस आप करो मॉक नोटबुक के अंदर लिखोगे अगला मॉक देने से पहले देखो अच्छा ठीक है अगला मॉक दो उसका भी लिखो अगला मॉक देने से पहले दोनों का देखो अच्छा तो ऐसे धीरे धीरे गलतियाँ दूर रहेंगी हाँ। ठीक है तो, तो दैट्स ऑल और अपना फीडबैक भाई मेरे तक पहुँचाना ये मैं मतलब सात आठ क्वेश्चन डिस्कस कर दूँ सिर्फ टफ वाले कि भाई ये आठ क्वेश्चन या जो मैं ऐसे सोच रहा हूँ मैं वैल्यू एडिशन मतलब जैसे एग्जाम्पल दे दूँ मैं जैसे एक क्वेश्चन भी मैं डिस्कस नहीं करता इजी है बट मैंने एक छोटी सी बात बताने के लिए डिस्कस कर दिया है ठीक है छोटी छोटी चीजें बताने के लिए कोई क्वेश्चन मैं निकाल जैसे एक क्वेश्चन मैं ऐड नहीं करता बट मैंने फॉर्मूला आपको समझा दिया तो आपके गैप्स फिल हो जाएंगे धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो आपको फीडबैक देना है कि ये सिस्टम आपको ठीक लगा या सात आठ ही क्वेश्चन सोल्व कर दूसरी देख भाई मैं तो ये आठ क्वेश्चन करूँगा ये लो बताना मेरे को ठीक है मेरे को ये ठीक लग रहा है मेरे को ये लग रहा ये ज्यादा है इस ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको हो सकता है हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आपके लिए ना रहे दो तीन क्वेश्चन को छोड़कर लगभग सारे क्वेश्चन आपको बेनिफिट करेंगे आप किसी भी स्टेज पर ठीक है बाय बाय टेक केयर